ये देखिए भाई, इतना अच्छे तरीके से जो है इसको इंटरलॉकिंग लगाकर बहुत ही अच्छा कलर में देखिए भाई, यहाँ पर जो है येलो है और यहाँ पर छोटा हुआ और बीच में यहाँ पर भी येलो है और बीच में, यानी कि इतना अच्छा ये धर्मपथ का फुटपाथ है। और इसी के बगल जो है ये आप देख सकते हैं जो दीवार है, इसमें रामायणकालीन चित्र जो है बनना शुरू हो गया, तो मैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगा, आगे चलूंगा। और इस फुटपाथ पर भी जो है डिजाइन बना हुआ है, तो मैं आगे चलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितना अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर डिजाइन बनाया जा रहा है और धर्मपथ कितना बेहतरीन तरीके से 22 जनवरी को लेकर के सजाया जा रहा है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। देखिए भाई, यहाँ पर स्तंभ जो है लगना शुरू हो गया है, ये फॉर्म ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा ये लग रहा है, पत्थर है, बट मैं बता दूं कि ये पत्थर नहीं है, ये जो है ये पहले पिलर है, उसके बाद में जो है ये लग रहा है धर्मपथ पर, और उसके बाद में जो है भाई ये आप देखिए ऐसे लगना पूरा शुरू हो गया। और वहाँ पर देख सकते हैं आप, वहाँ पर तो तैयार हो गया, दो एकदम कंप्लीट हो गया, अभी मैं आगे चलूंगा और दिखाऊंगा। और देखिए भाई यहाँ पर जो है और दो कंप्लीट हो गया है, ये आप देखिए भाई कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बताइए कि धर्मपथ का सूर्य स्तंभ जो बनाया जा रहा है वो कैसा लग रहा है आपको। और उसके बाद में ये देखिए भाई लता मंगेशकर चौक, और यहाँ से जो है आप अगर इस साइड जाएंगे तो आप चले जाएंगे रामपथ पर, और रामपथ से आप हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, शहादतगंज, आप सीधे NH-27 हाईवे पर चले जाएंगे। और अगर इस साइड से सीधे आप इस देखेंगे तो राम की पैड़ी है यहीं पर, यहाँ पर। और उसके बाद में जो है अगर उस साइड जाएंगे तो नया घाट पुल पर चले जाएंगे। और उसके बाद देखिए भाई कितना बेहतरीन जो है इस साइड भी फुटपाथ बनाया गया है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि कितना अच्छा है। ये देखिए इसको बनने के बाद जो है कलर किया गया है, ये आप देखिए भाई कितना अच्छा लग रहा है, और कलर करने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये तो तैयार हो गया। और ऐसे पूरे बनने वाले हैं, और ऐसे ही धर्मपथ पर 40 बनेंगे, यानी 10 इधर और 10 उधर और 20 वहाँ, यानी 27 हाईवे के पास। तो अभी मैं वहाँ चल रहा हूँ और वहाँ आपको दिखाऊंगा कैसे हैं, यही सब वो मूर्ति हैं जो धर्मपथ पर लगने वाले हैं। ये आप देखिए यहाँ पर घोड़ा है, और उसके बाद देखिए भाई यहाँ पर जो है अभी तैयार किया जा रहा है, और तैयार करने के बाद जो है पूरा बनेगा, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है इसका अभी निर्माण किया जा रहा है। ये आप देखिए यहाँ पर ऐसे भगवान श्री राम, और उसके बाद में जो है यहाँ पर घोड़े, यानी रामायणकालीन चित्र से जुड़े सारे जो है यहाँ पर बनाए जाएंगे। और ये जो आप इंगल देख रहे हैं ना भाई, ये वहाँ पर उस इंगल में पूरा ऐसा लगाया जाएगा, और लगने के बाद जो है पूरा जो है उसके बाद जो है ये सजाया जाएगा। और ये बता दूं कि मैं इंगल में जो है सेट हो रहा है, तो मैं अभी मैं इंगल आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए भाई यहाँ पर जो है ये लोहे का इंगल है, और लोहे के इंगल के बाद जो है ये सेट हो रहा है, और इसको जो है ऐसे खड़ियाया जाएगा, उसके बाद कितना बेहतरीन खूबसूरत लगेगा, ये आप देख सकते हैं भाई उसी में जो है ये सेट हो रहा है, ये आप देखिए पूरा जो है। और अभी जो है और इसमें सेट किया जाएगा, यानी कि मैं बता दूं 30 दिसंबर तक इसका कार्य कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। तो क्या होता है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, ये आप देखिए भाई। और ये देखिए जो यहाँ पर डिजाइन मैंने बताया था कि दोनों साइड में दीवार बनेगी, वहाँ पर देखिए बनना शुरू हो गया है, यानी कि देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि पत्थर है, लेकिन मैं बता दूँ ये पत्थर नहीं, ये कोई मिट्टी से बनाया गया है, और उसी के बाद जो है ये दोनों साइड में ऐसा बनाया गया। और जो धर्मपथ पर जो है लता मंगेशकर चौक के पास जो है ये पिलर आपको दिख रहा है, ये पिलर जो है यहाँ पर बनाया गया, यानी कि 20 वहाँ पर बनाया गया और 10 इस साइड में, 10 उस साइड में, यानी 40 स्तंभ बनाया गया, और 40 स्तंभों से भगवान श्री राम का धर्मपथ अयोध्या का जो है ये सजेगा, ये आप देखिए जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ से मैं आगे चल रहा हूँ और आगे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर भी डिजाइन बनना शुरू हुआ है। और फुटपाथ की बात करें भाई, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि दोनों साइड जो है फुटपाथ बनेगा, यानी लता मंगेशकर चौक से लेकर पूरा NH-27 हाईवे तक, तो वो जो है बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। और देखिए भाई दीवार आपको दोनों साइड दिख रही ना पूरा, ये पूरे पर जब बनेगा डिजाइन तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और उसके बाद में ये देखिए भाई इंटरलॉकिंग, ये बीच में जो है अभी छोड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है डिजाइन बनेगा, ये आप देख सकते हैं, तो इसीलिए जो है इतना यहाँ पर छूटा हुआ है। और उसके बाद आगे भाई दीवार में तो एक जगह पर फुल पेंटिंग बनाई गई है, फुल डिजाइन की तरह की, और आगे जो है पूरा चित्र बनाया गया है जो रामायणकालीन से जुड़ी हुई, तो बहुत ही अच्छा। यहाँ पर देखिए वहाँ पर तो थोड़ा बना था, और यहाँ पर यानी कि कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा बना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है भगवान श्री राम से जुड़े हुए जो है बचपन से, ये आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बनने के बाद आपको ऐसा डिजाइन लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और पूरे जो है ऐसे धर्मपथ पर जब NH-27 हाईवे से पूरा लता मंगेशकर चौक तक जब बनेगा तो बेहद खूबसूरत लगेगा। ये आप देखिए भाई ये रामायणकालीन चित्र जो बन रहा है, काफ़ी देखिए यहाँ पर डिजाइन है, और वहाँ पर देखिए मंदिर के आकार में बनाया गया है। और इसको बनने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये उस समय का दृश्य है रामायण में, जब जो है राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है, तो यहाँ पर जो है पूरे माता कौशल्या, और ये देखिए पूरा जो है यहाँ पर दृश्य दर्शाया गया है। और उसके बाद में देखिए जो यहाँ पर जो है ये रोते हुए आंसू हैं, वो आंसू कितना अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, यानी दूर से देखेंगे तभी आपको दिखाई देगा, और अगर पास से देखेंगे तभी आपको दिखाई देगा। और उसके बाद देखिए भाई इस पर जो है पहले बांस का ये बनाया गया है, उसके बाद इस पर चढ़कर जो है इसको ऊपर से बनाया जाता है, इसका प्रयोग किया गया है, उसके बाद जो है ऐसे बनाया जाता है। और ऐसे जो है पूरे आपको ऐसे धर्मपथ से जवाब NH-27 हाईवे से लता मंगेशकर चौक की ओर जाएंगे तो पूरे चित्र आपको ऐसे मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लग रहा है देखने के बाद, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ही नहीं, पूरे जो है वहाँ पर भी बनाया गया है इस साइड में, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और कितना बेहतरीन लग रहा है, और ऐसे दोनों साइड में बनेगा तो काफ़ी और अच्छा खूबसूरत लगेगा।